परिचय। बच्चों, हम पौधों के विषय में बहुत सारी बातों का अध्ययन कर चुके हैं। चलो अब हम उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण के विषय में जानते हैं। प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करने की एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का निर्माण होता है, जो कि पौधों द्वारा अनेक गतिविधियों में प्रयोग किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है। ये हरित लवक पर्णहरिम होता है, जो कि हरे रंग का एक वर्णक है, तथा प्रकाश संश्लेषण में भाग लेता है। केल्विन चक्र तथा C4 चक्र दो चक्र हैं, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दर प्रकाश की उपलब्धता तथा कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता इत्यादि से प्रभावित होती है। अतः इस मॉड्यूल के अंतर्गत हम उच्च पादपों में प्रकाश संश्लेषण का अध्ययन करेंगे। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे। प्रकाश संश्लेषण को परिभाषित करना, प्रकाश संश्लेषण के प्रारंभिक प्रयोगों की चर्चा करना, प्रकाश संश्लेषण कहां संपन्न होता है इसको जानना, प्रकाश संश्लेषण में भाग लेने वाले वर्णकों का वर्णन करना, प्रकाश अभिक्रिया का वर्णन करना, इलेक्ट्रॉन परिवहन का वर्णन करना, जल के विघटन को परिभाषित करना, चक्रीय एवं अचक्रीय फोटो फॉस्फोरिलेशन का वर्णन करना, रसोपरासरणी परिकल्पना यानी केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस की चर्चा करना, केल्विन चक्र का वर्णन करना, C4 पथ का वर्णन करना, प्रकाश श्वसन यानी फोटो रेस्पिरेशन की चर्चा करना, प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारकों का वर्णन करना। हम क्या जानते हैं? प्रकाश संश्लेषण को इस प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, जो कि क्रमशः वायु तथा मृदा से लिए जाते हैं, एवं प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के हरे भागों द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के संश्लेषण की एक विधि है। चलो अब स्टार्च के लिए एक पत्ती का परीक्षण करते हैं। पौधे से एक हरी पत्ती को तोड़ लें। अब चिमटी की सहायता से पत्ती को उबलते जल में डालें। उसे 2 मिनट तक उबलने दें। इसके बाद उबली हुई पत्ती को गर्म परीक्षण नलिका, जिसमें 90% एथेनॉल हो, इसमें डाल दें। अब गर्म परीक्षण नलिका को गर्म जल में तब तक पड़े रहने दें जब तक कि पत्ती रंगहीन नहीं हो जाती है। अब पत्ती को निकालकर ठंडे जल से धो लें। अब पत्ती को एक सफेद सतह पर फैला लें। पत्ती पर आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदें डालें। ऐसा करने पर पत्ती गहरे नीले रंग में परिवर्तित हो जाएगी, जो स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाती है तथा यह सिद्ध करती है कि इनमें प्रकाश संश्लेषण पाया जाता है। प्रारंभिक प्रयोग। प्रीस्ले प्रयोग। सबसे पहले उन्होंने एक जलती हुई मोमबत्ती को बंद बेल जार में रखा तथा देखा कि वो मोमबत्ती जल्दी ही बुझ गई। इसके बाद उन्होंने एक चूहे को बेल जार में रखा तथा देखा कि चूहे का भी जल्दी ही दम घुटने लगा। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि चाहे जलती मोमबत्ती हो अथवा कोई प्राणी जो वायु में सांस लेते हैं, वे हवा को क्षति पहुंचाते हैं। जब उसने उसी बेल जार में एक पुदीने का पौधा रखा तो उसने पाया कि चूहा जीवित रहा और मोमबत्ती भी सतत जलती रही। इन अवलोकनों के आधार पर उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला कि पौधा वायु को पुनः स्थापित करता है, जिसकी मोमबत्ती तथा चूहे द्वारा क्षति की गई थी। जॉन इंजन हाउस ने यह प्रमाणित किया कि प्रकाश संश्लेषण के लिए सूर्य का प्रकाश
आवश्यक होता है। इंजेन हाउच ने अपने एक परिष्कृत प्रयोग में एक जलीय पौधे के साथ ये दिखाया कि तेज धूप में पौधे के हरे भाग के आसपास छोटे छोटे बुलबुले बन गए थे, जबकि अंधेरे में रखे गए पौधे के आसपास बुलबुले नहीं बने थे। इन बुलबुलों की पहचान ऑक्सीजन के रूप में की गई। जूलियस वोन सेचस प्रयोग। उसने बताया कि पौधे के हरे भाग में ग्लूकोज बनता है और ग्लूकोज प्रायः स्टार्च के रूप में संचित होता है। टी डब्ल्यू एंजिलमैन प्रयोग। उसने प्रिज्म की सहायता से प्रकाश को स्पेक्ट्रमी घटकों में अलग किया और फिर एक हरे शैवाल क्लेडोफोरा को प्रदीप्त किया गया। बैक्टीरिया प्रमुखता लाल और नीले प्रकाश क्षेत्रों में एकत्र हो गए थे। कॉर्नेलियस वैन नील ने बताया कि प्रकाश संश्लेषण एक प्रकाश आधारित प्रतिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कहां संपन्न होता है? प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में होता है, जो कि पौधों के सभी हरे भागों तथा पत्तियों, जो कि प्रकाश संश्लेषण का मुख्य स्थान है, उनमें उपस्थित होता है। प्रत्येक हरित लवक आवरण से घिरा होता है, जो कि तीन परतों से युक्त होता है। वे इस प्रकार हैं: बाह्य झिल्ली, आंतरिक झिल्ली स्थान और आंतरिक झिल्ली। इसमें पीठिका यानी स्ट्रोमा, थाइलेकोइड्स ग्रेनम, पटलिका, लिपिड ग्लोब्यूल्स, स्टार्च की कणिकाएं और राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण की दो अवस्थाएं होती हैं, प्रकाश अभिक्रिया और अप्रकाशी अभिक्रिया। हरित लवक प्रकाश संश्लेषण की दोनों अवस्थाओं में सम्मिलित होता है। प्रकाश अभिक्रिया में झिल्ली तंत्र प्रकाश ऊर्जा को ग्रहण करता है तथा एटीपी एवं एनएडीपीएच का संश्लेषण करता है। अप्रकाशी अभिक्रिया में शर्करा का संश्लेषण होता है। ये अभिक्रिया प्रकाश पर प्रत्यक्ष रूप से निर्भर नहीं होती, लेकिन प्रकाश अभिक्रिया के परिणाम पर निर्भर होती है। प्रकाश संश्लेषण में कितने वर्णक भाग लेते हैं? हरित लवक वर्णक हरित लवक का कुल 5-8% शुष्क भार बनाते हैं। पत्तियों में हम जो हरा रंग देखते हैं वो चार वर्णकों के कारण होता है। वे हैं क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंथोफिल और कार्टिनोइड। क्लोरोफिल ए पादप जगत में पाया जाने वाला एक प्रकाश संश्लेषक वर्णक है। ये नीले हरे रंग का होता है तथा ये चक्रीय एवं अचक्रीय फोटोफोस्फोरिलेशन के दौरान इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के लिए उत्तरदायी होने के कारण प्राथमिक संश्लेषक वर्णक कहलाता है। क्लोरोफिल बी पीले हरे रंग का होता है। क्लोरोफिल बी स्वयं द्वारा अवशोषित ऊर्जा को क्लोरोफिल ए को स्थानांतरित करता है। इस प्रकार ये एक सहायक वर्णक कहलाता है। कार्टिनोइड तथा जेंथोफिल। कार्टिनोइड लाल पीले तथा नारंगी रंग के लिपिड यौगिक होते हैं। ये प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करते हैं तथा प्रकाश संश्लेषण में उपयोग के लिए इस ऊर्जा को क्लोरोफिल ए में स्थानांतरित कर देते हैं। ये फोटो ऑक्सीकरण से क्लोरोफिल अणुओं की रक्षा भी करते हैं। जेंथोफिल पीले रंग के होते हैं। ये क्लोरोफिल के साथ प्रकाश संश्लेषण में भाग लेते हैं। प्रकाश अभिक्रिया क्या है? प्रकाश अभिक्रिया में सौर ऊर्जा क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित की जाती है तथा अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला में एटीपी और एनएडीपीएच का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जल का विघटन होता है तथा उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। प्रकाश अवशोषित वर्णक थाइलेकोइड झिल्लियों में स्थित होते हैं। क्लोरोफिल
P680 तथा P700 इन झिल्लियों में उपस्थित होते हैं। P680 तथा P700 अणु अभिक्रिया केंद्रों या प्रकाश केंद्रों का निर्माण करते हैं। अभिक्रिया केंद्र वर्णक अणु सैकड़ों प्रकाश आधारित समूह वर्णकों के साथ जुड़ा होता है। सहायक वर्णक तथा अन्य क्लोरोफिल अणु सौर ऊर्जा का संलवन करते हैं तथा इसे अभिक्रिया केंद्र को भेजते हैं। ये लाइट हार्वेस्टिंग या एंटनी अणु कहलाते हैं। वर्णक अणुओं का गुच्छा जो कि अपनी ऊर्जा को P680 को स्थानांतरित करते हैं 680 NM की तरंग दैर्ध्य पर या इससे नीचे अवशोषित करते हैं। P680 के साथ मिलकर ये फोटोसिस्टम प्रथम या फोटोसिस्टम द्वितीय का निर्माण करते हैं। इसी प्रकार P700 भी वर्णक अणुओं के साथ फोटोसिस्टम प्रथम या फोटोसिस्टम द्वितीय का निर्माण करते हैं जो कि 700 NM पर या इससे नीचे प्रकाश को अवशोषित करते हैं। इलेक्ट्रॉन परिवहन दोनों फोटोसिस्टम इसमें भाग लेते हैं तथा P680 या PS2 द्वारा निष्कासित इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आता है किंतु PS1 की सहायता से ये NADP+ से गुजरता है। PS1 का अभिक्रिया केंद्र के इलेक्ट्रॉन भी लाल प्रकाश की 700 NM तरंग दैर्ध्य को अवशोषित करके उत्तेजित होता है और ये अन्य ग्राही अणु में जिसका अपचयोपचय यानी रिडॉक्स विभव अधिक हो स्थानांतरित होता है। ये इलेक्ट्रॉन्स पुनः अधोगामी गति करते हैं परंतु इस बार वे ऊर्जा से प्रचुर NADP अणु की ओर जाते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स NADP को अपचयित कर NADPH+ और H+ को बनाते हैं। इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण की ये सारी योजना PS2 से शुरू होकर शिखरोपरिग्राही की ओर इलेक्ट्रॉन परिवहन श्रृंखला से होते हुए PS1 तक इलेक्ट्रॉन की उत्तेजना अन्य ग्राही में स्थानांतरण और अंत में अधोगामी होकर NADP+ को अपचयित कर NADPH+ H+ के बनने तक होती है। ये सारी योजना Z के आकार की होती है इसलिए इसे Z स्कीम कहते हैं। जल का विघटन ये प्रदीप्त हरित लवक में H2O का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में विखंडन होता है। प्रोटीन का एक छोटा कॉम्प्लेक्स फोटोसिस्टम 2 से जुड़ा होता है। ये ऑक्सीजन निर्माण कॉम्प्लेक्स कहलाता है। ऑक्सीजन निर्माण कॉम्प्लेक्स केंद्र जल यानी H2O ऑक्सीजन H+ तथा इलेक्ट्रॉन में ऑक्सीकृत हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान Cl- Ca2+ तथा Mn2+ की आवश्यकता होती है। चक्रीय एवं अचक्रीय फोटो फोस्फोरिलेशन चक्रीय फोटो फोस्फोरिलेशन जब फोटोन फोटोसिस्टम 1 को सक्रिय करते हैं तब इलेक्ट्रॉनों का एक जोड़ा उच्च ऊर्जा स्तर तक पहुंच जाता है। ये प्राथमिक ग्राही द्वारा ग्रहण किए जाते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र से होकर गुजरते हैं तथा अंततः क्लोरोफिल P700 यानी PSI में वापस लौट आते हैं। प्रोटॉन प्रवणता ATP के संश्लेषण को सक्रिय बनाता है। ये प्रक्रिया चक्रीय होती है अतः ये चक्रीय फोटोफोस्फोरिलेशन कहलाती है। अचक्रीय फोटोफोस्फोरिलेशन ये हरे पौधों में पाया जाता है तथा इसमें PS प्रथम तथा PS द्वितीय फोटोसिस्टम दोनों ही सम्मिलित होते हैं। इस अवस्था में दोनों फोटोसिस्टम प्रदीप्त होते हैं तथा NADP+ से P680 तक इलेक्ट्रॉनों का नियत प्रवाह होता है। रसोपरासरणी परिकल्पना
केमियोस्मोटिक हाइपोथेसिस। रसोपरासरणी परिकल्पना हरित लवक में एटीपी संश्लेषण का वर्णन करती है। रसोपरासरणीय के लिए एक झिल्ली, एक प्रोटोन पंप, एक प्रोटोन प्रमाणता तथा एटीपीएच की आवश्यकता होती है। थाइलेकोइड झिल्ली में प्रोटोन झिल्ली के अंदर जो कि अवकाशिका यानी ल्यूमेन में स्थित होती है उसकी तरफ संग्रहित हो जाते हैं। प्रोटोन प्रवणता निम्नलिखित कारणों के कारण विकसित होती है। जल विघटन अभिक्रिया झिल्ली की आंतरिक सतह में होती है, इसलिए इस अभिक्रिया में निर्मित हाइड्रोजन आयन अवकाशिका यानी ल्यूमेन में संचित हो जाते हैं। फोटोफॉस्फोरिलेशन के दौरान जब इलेक्ट्रॉन वाहकणु स्वयं के इलेक्ट्रॉनों को झिल्ली की अंतरा सतह में स्थित इलेक्ट्रॉन वाहक को भेजता है, तब प्रोटॉन झिल्ली की अंतरा सतह यानी अवकाशिका में मुक्त होते हैं। NADP रिडक्टेस एंजाइम झिल्ली के स्ट्रोमा की ओर होता है। PS1 के इलेक्ट्रॉन ग्राही से आने वाले इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ प्रोटॉन NADP को NADPH+H में अपचयित करने के लिए आवश्यक होता है। ये प्रोटॉन पीटिका स्ट्रोमा से ही आते हैं। परिणामस्वरूप स्ट्रोमा में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या घट जाती है तथा अवकाशिका में उपस्थित प्रोटोनों की संख्या बढ़ जाती है। इसलिए थाइलेकोइड झिल्ली के आर पार एक प्रोटोन प्रवणता स्थापित हो जाती है। प्रोटोन प्रवणता के टूटने पर ऊर्जा मुक्त होती है। ये प्रवणता इसलिए भंग होती है क्योंकि H+ झिल्लिका में मौजूद ATPH के पारगमन वाहिका F0 के माध्यम से पीटिका यानी स्ट्रोमा में गतिशील होता है। ATPH इस एंजाइम के दो भाग हैं, F0 और F1। ATPH के कण F1 में संरूपण परिवर्तन आता है जिससे कि एंजाइम ऊर्जा से प्रचुर ATP अणुओं का संश्लेषण कर सके। ATP तथा NADPH कहां उपयोग होते हैं? ATP तथा NADPH प्रकाशीय अभिक्रिया में निर्मित होते हैं तथा ये भोजन के संश्लेषण की प्रक्रिया को संचालित करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषण का जैव संश्लेषण चरण कहलाता है। मेल्विन केल्विन ने पता लगाया कि कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन का पहला उत्पाद 1,3-कार्बन वाला कार्बनिक अम्ल था। इस पहले उत्पाद का नाम 3-फॉस्फोग्लिसरिक अम्ल या PJ है। कुछ पौधों में कार्बन डाइऑक्साइड के फिक्सेशन के पश्चात प्रथम उत्पाद के रूप में एक अम्ल ऑक्सैलोएसिटिक अम्ल अथवा OAA पाया जाता है। CO2 के प्राथमिक ग्राही अणु 1,5-कार्बन वाला कीटो शुगर यानी शर्करा था। ये रिब्यूलोज 1-5 बिसफोस्फेट यानी RUBP था। केल्विन चक्र में 3 अवस्थाएं होती हैं जो कि निम्न प्रकार हैं: कार्बोक्सिलीकरण, रिडक्शन यानी अपचयन, रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। कार्बोक्सिलीकरण में कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 5-कार्बन अणु जिसे RUBP कहते हैं इनके साथ संयोजित होता है तथा परिणाम स्वरूप 6-कार्बन वाला अणु बनता है जो कि अस्थिर होता है तथा तुरंत ही 3-कार्बन अणु 3-फॉस्फोग्लिसरेट में परिवर्तित हो जाता है। रिडक्शन यानी अपचयन प्रतिक्रियाओं की एक श्रृंखला है जिसमें ग्लूकोज बनता है। इस चरण में प्रत्येक CO2 अणु के स्थिरण हेतु ATP के 2 अणुओं का उपयोग फॉस्फोरिलेशन के लिए तथा NADPH के 2 अणुओं का उपयोग अपचयन हेतु होता है। पथ से ग्लूकोज के 1 अणु को बनाने के लिए CO2 के 6 अणुओं के यौगिकीकरण
तथा चक्करों की आवश्यकता होती है। रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन। अविरत केल्विन चक्र के लिए RUBP के अणु का रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन आवश्यक होता है। C4 पथ। पौधे जो कि शुष्क उष्ण कटिबंधी क्षेत्र में पाए जाते हैं उनमें C4 पथ होता है। C4 पौधे C3 पौधों की तुलना में दिन का ताप, तेज धूप, सूखा तथा नाइट्रोजन की कमी आदि स्थितियों में बेहतर अनुकूलित होते हैं। C4 पौधों की विशेष प्रकार की शारीरिकी होती है जिसे क्रेंजी शारीरिकी कहते हैं। C4 पौधों के संवहन बंडल यानी पुलाच्छद यानी बंडल शीत कोशिकाओं द्वारा चारों ओर से घिरे होते हैं। मक्का, गन्ना, अमरत, ज्वार आदि C4 पौधों के उदाहरण हैं। C4 पथ की क्रियाविधि। मध्योतक कोशिका के कोशिका द्रव्य में फोस्फोइनोल, पाइरुवेट, कार्बोक्सिलेज की क्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही अणु फोस्फोइनोल पाइरुवेट है। ये चार कार्बन वाला यौगिक ऑक्सेलोएसिटेट का निर्माण करता है तथा ये एक अन्य चार कार्बन वाले यौगिक जिसे मैलेट कहते हैं उसमें परिवर्तित हो जाता है तथा NADPH का निर्माण करता है। अब मैलेट यानी पुलाच्छद बंडल शीत कोशिकाओं को स्थानांतरित हो जाता है। चार कार्बन वाला मैलेट विकार्बनीकृत होकर कार्बन डाइऑक्साइड, 1-3 कार्बन वाला यौगिक पाइरुवेट तथा NADPH का निर्माण करता है। कार्बन डाइऑक्साइड राइब्लोज बिसफॉस्फेट के साथ जुड़कर केल्विन चक्र में सम्मिलित हो जाती है। उत्पन्न हुई पाइरुवेट मध्योतक कोशिकाओं में पुनः प्रवेश करता है जहां पर ये ATP से प्रतिक्रिया करता है तथा फॉस्फोइनोल पाइरुवेट में बदलकर पुनः C4 चक्र को प्रारंभ करता है। प्रकाश श्वसन यानी फोटोरेस्पिरेशन। प्रकाश श्वसन यानी फोटोरेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषित उत्पाद में कमी आती है तथा ATP का निर्माण नहीं होता है। C3 पौधों में रुबिस्को एंजाइम में ऑक्सीजन की तुलना में कार्बन डाइऑक्साइड के लिए अधिक बंधुता पाई जाती है तथा ये सापेक्ष सांद्रता पर आधारित होती है। गर्म शुष्क दिनों के दौरान पौधे वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की कमी से बचने के लिए अपने स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं जिसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड पत्तियों में प्रवेश नहीं कर पाती है तथा ऑक्सीजन के अणुओं का प्रयोग किया जाता है तथा इससे एक विषैले तत्व फोस्फोग्लाइकोलेट का निर्माण होता है। इस विधि में प्रकाश श्वसन के दौरान किसी भी ATP का निर्माण नहीं होता है जबकि C4 पौधों में प्रकाश श्वसन नहीं होता है। इसका कारण यह है कि इनमें एक ऐसी प्रणाली होती है जो एंजाइम स्थल पर कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता को बढ़ा देती है। ऐसा तब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड पुलाच्छद यानी बंडल शीत कोशिकाओं में मुक्त होती है। प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक। ब्लैकमैन का लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर्स दर्शाता है कि प्रकाश संश्लेषण की दर लिमिटिंग फैक्टर्स द्वारा प्रभावित होती है। उदाहरण प्रकाश या कार्बन डाइऑक्साइड। प्रकाश। प्रकाश की कम तीव्रता प्रकाश की तीव्रता में वृद्धि होने पर प्रकाश आधारीय अभिक्रिया की दर बढ़ जाती है तथा इसके परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषण की दर में वृद्धि हो जाती है। यद्यपि फोटोनों की अधिक संख्या पत्ती पर पड़ती है तो फलस्वरूप प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद भी बढ़ता है। प्रकाश की तीव्रता उच्च होने पर प्रकाश संश्लेषण की दर सीमित हो जाती है तथा ये
क्लोरोफिल के अणुओं को क्षति पहुंचा सकती है। कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। जब कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है तो अप्रकाशीय अभिक्रिया में कार्बन के कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तन की दर भी बढ़ जाती है, तथा इस प्रकार प्रकाश संश्लेषण की दर तब तक बढ़ती रहती है जब तक कि अन्य कारक द्वारा ये सीमित नहीं की जाती है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बहुत कम होती है। बढ़ती हुई सांद्रता भी प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाती है, लेकिन ये तब स्थापित हो जाती है जब स्थिरीकरण की दर अधिकतम पहुंच जाती है। ताप। प्रकाश संश्लेषण की प्रकाशीय अभिक्रिया ताप से कम प्रभावित होती है, जबकि अप्रकाशीय अभिक्रियाएं ताप द्वारा प्रभावित होती हैं। जब एंजाइम अभिक्रियाओं को उत्प्रेरित करते हैं, यद्यपि एंजाइम अनुकूलतम तापमान पर पहुंच जाते हैं तो कुल दर बढ़ जाती है। ताप में प्रत्येक 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि होने पर अभिक्रिया की दर दुगनी हो जाती है, तथा ये अनुकूलतम तापमान पार करने पर जब एंजाइम विघटित हो जाते हैं तो ये घट जाती है। जल। जल प्रकाश संश्लेषण का अभिकारक है। एक पौधा अपने पूर्ण अवशोषण में केवल 1% से भी कम जल का प्रयोग करता है, तथा शेष जल का वाष्पोत्सर्जन हो जाता है। जल की कमी के कारण स्टोमेटा बंद हो जाते हैं, तथा इसके कारण कार्बन डाइऑक्साइड की उपयोगिता कम हो जाती है। क्या आप जानते हैं, फफूंदनाशी प्रकाश संश्लेषण को बढ़ाता है, जिससे संभावित उपज भी बढ़ जाती है। शोध से ये पता लगा है कि फफूंदनाशी में F500 पाया जाता है, जो कि पौधों को वातावरण के आघातों के विरुद्ध सहायक बनाता है। जेनिफर हॉलैंड PhD ने कहा है कि प्रकाश संश्लेषण पौधों में ऊर्जा उत्पत्ति का एक चालक इंजन है। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। प्रकाश संश्लेषण कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल, जो कि क्रमशः वायु तथा मृदा से लिए जाते हैं, एवं प्रकाश की उपस्थिति में पौधों के हरे भागों द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के संश्लेषण की एक विधि है। प्रकाश संश्लेषण हरित लवक में पाया जाता है, जो कि पौधों के सभी हरे भागों में उपस्थित होता है। पत्ती में हम जो रंग देखते हैं वो क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, जेंटोफिल तथा कार्टिनॉइड के कारण होता है। प्रकाश अभिक्रिया में सौर ऊर्जा क्लोरोफिल द्वारा अवशोषित की जाती है, तथा अभिक्रियाओं की एक श्रृंखला में ATP और NADPH का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में जल का विघटन होता है, तथा उपोत्पाद के रूप में ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। इलेक्ट्रॉन P680 या PS2 द्वारा निकाले जाते हैं, तथा PS1 की सहायता से ये NADP+ से गुजरते हैं। यह प्रक्रिया अचक्रीय फोटोफॉस्फोरिलेशन कहलाती है। केल्विन चक्र की 3 अवस्थाएं कार्बोक्सिलीकरण, रिडक्शन यानी अपचयन, तथा रीजनरेशन यानी पुनरुद्भवन होती हैं। C4 पौधों की विशेष प्रकार की शारीरिकी होती है, जिसे क्रेंजी शारीरिकी कहते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड का प्राथमिक ग्राही अणु फॉस्फोइनोल पाइरुवेट है। प्रकाश श्वसन यानी फोटो रेस्पिरेशन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे ऑक्सीजन का उपभोग करते हैं, तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकाश संश्लेषित उत्पाद में कमी आती है, तथा ATP का निर्माण नहीं होता है। प्रकाश कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता, ताप तथा जल प्रकाश संश्लेषण को प्रभावित करने वाले कारक हैं।